हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इमरजन। आज हम बात करेंगे पेंट की कंपनी के बारे में, जो अगर आप 5 साल का चार्ट देखेंगे तो कंटिन्यूस ग्रो किया है और इनके जो रिजल्ट्स आए हैं काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स आए जून क्वार्टर के, और 5 बार इस कंपनी ने बोनस शेयर्स भी दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म का अगर आपका नज़रिया है तो बेहतर कंपनी लगती है, और 5 साल का अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है चलता था लगभग 100-125 के करीब, और आज की तारीख में इसने हाई बनाया है लगभग 550 के करीब। तो ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो कंसाई नैरोलैक पेंट से 506 के ऊपर चल रहा है। 52 वीक लो देखेंगे तो 436 का इसका लो है और हाई 614 का है, तो 600 के ऊपर इसने हाई बनाया है। और लॉन्ग टर्म में भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न ये डिविडेंड के तौर पर भी दे रही है, और 5 बार इसने बोनस इशू भी किए हैं, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। और इनके अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 27,000 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप है, 1 रुपये का फेस वैल्यू है। एवरी ईयर ये कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, और आपको पता ही है नैरोलैक पेंट्स के बारे में, टीवी में भी ऐड आपने देखा होगा काफ़ी सारा। और इसके अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो जून क्वार्टर के अंदर अगर देखेंगे तो 1375 के करीब इसका सेल्स का टर्नओवर था, और पहले 1103, तो रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा है, सेल्स का टर्नओवर भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। और इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 139 के करीब है, और पहले 105, मीन्स कंटिन्यूस इसकी ग्रोथ बरकरार है और नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। और इसका डिविडेंड की बात करेंगे तो एवरी ईयर इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है, 2018 में दिया है, 2017, 16, 15, 14, और बोनस इशू की अगर आप बात करेंगे तो 5 बार इस कंपनी ने बोनस इशू किया है। तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से भी अगर आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छी कंपनी लगती है। ये देखिए 74, 78, 94, 2004, 2010, ऐसे मीन्स जूनी कंपनी है नैरोलैक पेंट। तो काफ़ी मीन्स लॉन्ग टर्म में भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है, और आगे जाके जिस हिसाब से बिल्डिंगें बन रही हैं, रियल इस्टेट का काम चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में, तो इनकी डिमांड तो बढ़ने ही वाली है, कम तो रहने वाली नहीं है। और इनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनके भी जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी, और उनके साथ साथ ये भी जो कंपनी है ग्रो करेगी। तो कंपटीशन ज़रूर है लेकिन डिमांड भी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से सारी जो पेंट की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो एक साथ बढ़ेगी, अच्छा ग्रोथ रेट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो आज इसी के बारे में बताना था ताकि आपको भी आइडिया आ सके, और लोअर रेट्स पे मिलता है ये स्टॉक और इसके नीचे, तो आप नीचे लीजिएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखेंगे तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 580 का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो आज इसी के बारे में बताना था, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।